नमस्कार दोस्तों, मैं सार्थक वातल द राइट न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक बार फिर एक राइट न्यूज लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम कुछ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि उनके कुछ मसले हैं जिन्हें लेकर उनकी गवर्नमेंट से कुछ मांगे हैं। तो मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि वो क्या मसले हैं और उन मसलों को लेकर उनकी सरकार से क्या मांगे हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ शादीलाल पंडिता जी जुड़े हुए हैं, जो प्रेसिडेंट हैं जगती टेनमेंट कमेटी के। तो मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि इनकी सरकार से क्या मांगे हैं। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर, आप हमें बताइए कि आपकी सरकार से किन चीज़ों को लेकर क्या मांगे हैं। देखिए, पिछले 30 सालों से हम विस्थापित हैं, एग्जाइल में हैं, जबकि सरकार हमें रिलीफ देती है। और आज का रिलीफ जो है 13,000 पर फैमिली, 400 की फैमिली हो या उससे ज़्यादा की फैमिली हो, सिर्फ 13,000 रुपये माहवार रिलीफ देती है, जो आज के इस महंगाई में काफ़ी नहीं है, क्योंकि हर घर में एक एक दो दो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका स्कूल का खर्चा पूरा नहीं होता है, फीस का खर्चा पूरा नहीं होता है, महंगाई है, दवाइयाँ लानी है, हर घर में एक बीमार है, दो बीमार है, लिहाजा उससे गुजारा नहीं होता है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं इस रिलीफ को 25,000 तक किया जाए। दूसरी मांग हमारी है सरकार से कि जिन घरों में, जिन परिवारों में, जिन माइग्रेंट घरों में आज तक कोई भी मुलाजिम नहीं लगा है, नौकरी नहीं मिली है, उन घरों में पहले एक जॉब हर घर में दी जाए। जिनके घरों में तमन्ना है हमारे घर में भी मुलाजिम हो, हम सरकार से कहना चाहते हैं पहले उन घरों में एक जॉब दी जाए। तो शादीलाल पंडिता जी, मेरा एक सवाल आपसे भी है कि ये जो हंगर स्ट्राइक है, इसमें कितने लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? होल कम्युनिटी का समर्थन इसमें है, खासकर जगती वालों का, सारे लोगों का समर्थन है, और कम्युनिटी ने जो हमें कमिट दिए हैं सारे लोगों का समर्थन है। कोई कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, उसको अपोजिशन भी करनी पड़ती है, लेकिन जब तक हमने कल से देखा 95% लोगों का इसमें समर्थन है। अब हम क्यों 8-8, 10-10 लोग या 20-20 लोग हंगर स्ट्राइक पर है, ये सबों को पता होना चाहिए। आज काउड की बीमारी चल रही है, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग जमा हो जाए, जिससे खतरा है। हम लोगों को भी कहते हैं कि नहीं, 10-10, 20-20 लोग हर रोज़ यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे और अपने इस अपनी इन मांगों को हाईलाइट कर लेंगे सरकार के कानों तक, आपके माध्यम से, दूसरे प्रेस वालों की माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हम सरकार तक पहुँचाएँगे ये, और सरकार से देखेंगे वो कब तक हमारी मांगें पूरी करेंगे। अगर नहीं की 10 दिन तक, 5 दिन तक, तो हम हंगर स्ट्राइक तब्दील कर लेंगे मरण व्रत में, या नेशनल हाईवे पर बैठकर हम सरकार को तब तक हिलने नहीं देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वही मार्च, जस्टिस, वही मार्च, जस्टिस। हम क्या चाहते? अपना हक। हम क्या चाहते? अपना हक। हम क्या चाहते? अपना हक। एक सवाल एक और है आपसे कि बहुत सी सरकारें आई जम्मू कश्मीर में और बहुत सी सरकारें गई जम्मू कश्मीर से, लेकिन जो एक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, इस पर किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि इस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग सबसे ज़्यादा जज्बाती, सबसे बड़े देशभक्त और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और अगर देखा जाए तो नील क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो इनजस्टिस होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, कश्मीरी पंडितों को इन्होंने बलि का बकरा बना कर रखा है अपनी सियासत के लिए। जब पहले कांग्रेस सरकार थी, हम उनके पास जाते थे, कुछ ना कुछ होता था, हम नहीं कहेंगे उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, लेकिन नज़रअंदाज कश्मीरी पंडित हर वक्त हो गया। जब बीजेपी वाले आए, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन जीतेंगे, वोट दीजिए, तो बीजेपी मेजॉरिटी में आई, उसका अहम रोल कश्मीरी पंडितों का है। जहां कश्मीरी पंडित बैठा था अमेरिका तक, उन्होंने बीजेपी वालों को सपोर्ट किया कि बीजेपी सरकार आए, शायद कश्मीरी पंडितों के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन जब से बीजेपी सरकार बनी है, तो वो क्या करते हैं, उससे पहले भी कहते थे डिबेटों में, कश्मीरी पंडित को भगा दिया,
कश्मीरी पंडित अब विस्थापित है, कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला। भाई निकाला है तो आप कहाँ है, आप बसाते क्यों नहीं हो? 6 साल आपके भी हो गए, जब आशाएं थी कश्मीरी पंडितों के आप पर, आपने वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाएंगे, कश्मीरी पंडितों के मसाइल हल कर लेंगे, लेकिन आज तक आपने एक मसला भी हल नहीं किया। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उनके खिलाफ ज़रूर हैं जो झूठ बोलते हैं, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को आज तक विस्थापित की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर किया है। मिलिटेंट जिम्मेवार है, पाकिस्तानी मिलिटेंट जिम्मेवार है, कश्मीरी मिलिटेंट जिम्मेवार है, लेकिन सरकार कहाँ है? सरकार भी वही रोल करती है, सरकार भी हमारे नाम पर सियासत करती है और दुनिया को दिखाती है कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला। अपनी सियासत के लिए हम बलि का बकरा हिंदुस्तान के लिए बने हुए हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है हमें बेदर्दी से मारेंगे। हमें जैसे ईद पर बकरा को कुर्बान करते हैं, ऐसे ही हमें कुर्बान करते हैं, उसको एक बार कुर्बान करते हैं, लेकिन इन्होंने हमें बार बार कुर्बान के लिए रखा है, बार बार ये कुर्बान करते हैं। हम इनसे कहना चाहते हैं कि हमें आबाद करो, कश्मीर हमारा भी है, कश्मीर में हमें बसा लो, और डे टू डे प्रॉब्लम जो हमारी है, रिलीफ का मसला है, नौकरियों का मसला है, उसको हल किया जाए। तो सर क्या आप मानते हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब सारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को एक साथ खड़े होकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा? देखो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लोग कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों में यूनिटी नहीं है, गलत गलत बात है। कश्मीरी पंडितों में यूनिटी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, कोई इंसान किसी पार्टी के साथ जुड़ा होता है उसको अपोजिशन तो करनी होती है, वो तो हर कम्युनिटी में, वो हर धर्म में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कश्मीरी पंडितों का अब एक ऐसा समय आ गया, इस वक्त कश्मीरी पंडित यूनाइट है, ऐसी बात नहीं है। मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ उस धोखे में मत रहो कि कश्मीरी पंडितों का अपना जो एक सिस्टम बनाया था, बाइफ्रिकेशन कर रहा बाइफ्रिकेट कर रहे थे, एक दूसरे को लड़ा देते, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते थे, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कश्मीरी पंडितों पर लागू नहीं होगी। कश्मीरी पंडित समझ गया, 31 सालों से समझ रहा है कश्मीरी पंडितों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। कश्मीरी पंडित 31 साल जो था पहले, वो आज नहीं है। हम समझ गए किन किन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है, ऐसी बात नहीं है। वी आर यूनाइटेड और आगे भी हम यूनाइट रहेंगे। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी यही चाहते हैं कि जो सरकार है वो इनकी मांगे सुने, रिलीफ बढ़ाए, लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स दे। अगर घर में 5 मेंबर्स हैं तो ये सब ये चाहते हैं कि एटलीस्ट 1 मेंबर को गवर्नमेंट जॉब मिले जिस घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो इसी के साथ द राइट न्यूज में आज ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली बार द राइट न्यूज में द राइट न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।